कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो 30 दिन के अंदर आपने लाजमी अदा करना है इस बिल को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये जब मशीन खरीदी गई है तो कर्जे पर खरीदी गई है, ठीक है। और इसके अंदर आपने 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, 2% डिस्काउंट अवेल कर लिया, फिर 10, ये मशीन 1 लाख की तो नहीं रही होगी, 1 लाख रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया ना, लेस 2%, इसको क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो 1 लाख का 2% क्या होगा, 2000 माइनस का भी 2000 रुपये, आपकी ये, अब ये क्या कहलाएगी, आपकी इनवॉइस प्राइस। अब देखिए, आप इसी टर्मिनोलॉजी समझ लें, इनवॉइस प्राइस क्या होती है, जिस पे आपकी रसीद कटी जाती है, रसीद कितनी कटी, 98,000। अब आगे क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर 15% सेल टैक्स भी लगेगा, आप जब खरीदेंगे तो 15% क्या देना पड़ेगा, सेल टैक्स देना पड़ेगा। अब 15% अब आप क्या करते हैं, उसमें सेल टैक्स, सेल टैक्स अगर उसके ऊपर मैं लोड करूँगा तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी। और ये 15% जो भी है वो मैं किसके लिए दे रहा हूँ, मशीन के लिए दे रहा हूँ, तो मशीन की कॉस्ट में कैलकुलेट कर लूँगा इसको, 15% सेल टैक्स, इसका 15% निकाल लें, 98,000 का 15% निकाल लें, चार्जेस है।
इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने $4 सही। अच्छा ये इंस्टॉलेशन चार्जेस है, कोई चीज इंस्टॉल कर रहे थे करते हुए एक पुर्जा का ₹500 का वो डैमेज हो जाता है, ₹500 का एक पार्ट था पार्ट थे वो इसको बस करें मशीनें जो इंस्टॉल कर रहे थे ₹500 का पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, तो वो आप क्या करें कॉस्ट वाली मशीन के अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि वो आपकी गलती है। कॉस्ट ऑफ मशीन क्यों निकाल रहे हैं, जो कॉस्ट निकलेगी उसके ऊपर हम एनुअली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो मशीन जो इसकी कॉस्ट निकलेगी उसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मगर अब अगर आपकी कोई गलती है, आप बॉक्स लेके जा रहे हैं हिलाते चुलाते, या आपने जो ट्रेन के जरिए आया उसमें आपकी कॉस्ट डैमेज होगी, वो भी अगर आप कॉस्ट पर लगा देंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, वो आपका एक नुकसान हो गया, वो आपके एक्सपेंसिस में डालते हैं कारोबार। मगर मशीन की कॉस्ट का पार्ट ये नहीं बनेगा, ये जरूर बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है स्टिमेटेड टाइप हो गई स्पेशल, अगर ये सब चीज़ें नोट कर लें, किसी मशीन का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो वो आप ऐड कर लेंगे, सही है, वो भी मशीन के अंदर ऐड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन हमने वैसे ही ऐड कर ली, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका किसी से आपने सर्विसेज ली हैं तो सर्विसेज चार्जेस से अगर सवाल दे रहा है तो वो आप ऐड कर लेंगे। तो आप सवाल देख के आपको अंदाजा हो जाएगा क्या क्या चीज़ें ऐड करनी, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी। इंश्योरेंस अगर वो दे रहा हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं आप यहाँ से चाइना जा रहे हो कुछ खरीदना पड़ा गया, ठीक है, आप उस पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, बातें नहीं करें, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने मशीन की कॉस्ट के ऊपर डाल दी होगी, कुछ चीज़ें हमने इग्नोर कर देनी होगी, ठीक है। अब आप यहाँ से चाइना गए, अब यहाँ सवाल रहते हैं एक जनरल हम बात करते हैं, हम यहाँ से चाइना गए, ठीक है, और वहाँ से हमने मशीन खरीदी ₹1,00,000, अब वहाँ से हमने जहाज़ पे या पानी के जहाज पे लोड कराई लेके आ गए, मशीन का सफर इंश्योरेंस जो है तो मशीन को लाने का जो अखराजात है वो हमने, अब वो आपने बोला कि वो वहाँ से यहाँ आ रही है तो हो सकता है कहीं डैमेज हो जाए टूट गया टूट गया तो उसका इंश्योरेंस करा लिया, तो इंश्योरेंस भी आपने ऐड कर दिया। अगर उसके अंदर जो है आपको ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जो वहाँ से लेके आने जो आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो भी आप ऐड कर लेंगे। सही, उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए किसी खास मशीन की ज़रूरत है, क्रेन की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को कर लेंगे। मगर इसके अंदर कोई आपकी गलती है, आपसे मशीन की कोई पार्ट्स टूट जाता है तो आप क्या करेंगे उसको ऐड नहीं करेंगे। अच्छा एक एक इंश्योरेंस तो ये है कि आप इस मशीन का इंश्योरेंस कराते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितना मशीन की लाइफ है, मशीन की लाइफ के मुताबिक उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं तो फिर तो आप उसको मशीन की कॉस्ट में शामिल करेंगे। और अगर ऐसा इंश्योरेंस है कि भाई कि वो आज आपने कराया है, आप कह रहे हैं चाइना से पाकिस्तान पहुँच जाए इसके ज़्यादा सफर इंश्योरेंस है, वो आप इस मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो ऐड नहीं करेंगे, वो ऐड नहीं करेंगे। हाँ वो ऐसा इंश्योरेंस है कि भाई कि अगर आपने आपने क्यों ऐसे जहाज़ के अंदर बुक कराई है, ऐसे रेलवे से बुक कराई है जो ख़राब है, आप इससे बेहतर बुक करवा लेते हैं, सही है, या मशीन का आप कहते हैं ये तो लाइफ इंश्योरेंस है वो है। अगर कोई ऐसा इंश्योरेंस करा रहे हो जो रिस्क फैक्टर है कि आपकी यहाँ मशीन होगी उसके ऊपर पेंटी लगी हुई है या उसके ऊपर हाई टेंशन के वायर आ रही है, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें जा रही हैं कि उससे आपको डर है कि मशीन में आग लग जाएगी, तो आप जो फायर इंश्योरेंस करा लेंगे तो वो फायर इंश्योरेंस जो है मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो अब समझने की बात इसमें ये होती है सिर्फ आप वो चीज़ें ऐड करते हैं जो चीज़ें आपकी मशीन की कॉस्ट बन सकती है, जो चीज़ें एक्सपेंस बन सकती है ना उसको आप ऐड नहीं करते, ठीक। इन चारों को ऐड करें 1,25,000, 12,500, 1,500, 4,000 हो गए, 4,500 और 12,500 कितने हो गए, 17,500 सर,
ये होगा 14 और 4 9 18 और ये आगे 4000 है 14000
आप क्या करेंगे? कैश आप क्रेडिट कर देंगे फिलहाल सबको टोटल में 18,000 जीरो में थे और ये 14,700 और 18,700 सही है। अब ये एंट्री एक सीधी सीधी है, अगर हम क्या करते थे इसके लिए ये सारे खर्चे किसके लिए कर रहे हैं? मशीन के लिए। तो हम एंट्री क्या करेंगे? मशीन कॉस्ट डेबिट कैश एंट्री करने के लिए सही है। बात समझ में आई? ये एंट्री नहीं करनी है वहां पर। क्यों? हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल रहे हैं ना। तो मैंने, मुझे पता है इस मशीन की क्या रिकॉर्ड देखूंगा तो मुझे सेल टैक्स मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। मगर ये सारे खर्चे मैंने किसके किसके लिए करे? मशीन की कॉस्ट, क्योंकि मैंने मशीन की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, याद है बात? क्लियर है? लास्ट रॉ है आपके पास? क्लियर है लास्ट? आप दोनों के क्लियर है आपके? कॉस्ट ऑफ मशीन कैसे निकाल रहे हैं सर? हो गया, आपने मना कर दिया है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? ये के लिए इसलिए नहीं ना कि आप मोबाइल भी छोड़ दो और उनके उनका कान भी छोड़ दो। तो आप देखिए, आप दोबारा समझ, आप ये समझा रहा हूँ, ये जो एक्सपेंसेस है किसके लिए कर रहे हैं आपने? यार इधर बैठा के लिए है। तो हम कॉस्ट ऑफ मशीन का अकाउंट ओपन कर देंगे, उसके अंदर ये सारे खर्चे डाल देंगे। ठीक है, तो हम सारे खर्चे डेबिट कर देंगे और कैश को सही है। अब भाई किधर हो रही है, क्या है ये? क्लास कहीं नहीं हो रही क्लास। ये क्या बात हो गई? मील चल रही है, मील चल रही है। तो क्या करेंगे भाई क्लास में? अपना अपना पढ़ो बेटा बस। ये क्या आए मेरे भाई, आपको बेटी आया भाई, तो बस